जी हाँ, डूबते सूरज की तरह अब इन पांच राशियों के सभी दुखों को हरने वाले हैं देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, आज अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किन पांच राशियों की किस्मत अब चमकने वाली है, क्योंकि इन पांच राशियों के जातकों पर पूरी तरीके से मेहरबान है भगवान भोलेनाथ। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दो राशि कौन सी हैं। ये दो राशि हैं सिंह और तुला राशि। जी हाँ, बता दें आप दूर संचार के माध्यम द्वारा कुछ नए मित्र बना सकते हैं। जी हाँ, पारिवारिक मसले पर आपको अचानक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो वही यात्रा करना आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा, तो यहाँ पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी इन दिनों आपको काफी कामयाबी हासिल होने के संकेत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, अपने शत्रुओं से आपको निजात मिलेगा, आपके शत्रु आपके सामने फीके पड़ते नजर आएंगे, उनकी सारी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग फेल होती नजर आएंगे, तथा आप अपने दुश्मनों को अपने शत्रुओं को आसानी से सबक सिखाने में भी सफल रहेंगे। जी हाँ, कोई ऐसी नई योजना आपके सामने आ सकती है जिसमें आपके मौजूदा काम से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऑफिस में आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर डाला जा सकता है, लेकिन आप इसको आसानी से अपनी समझदारी से हैंडल भी कर पाएंगे। बता दें आप प्रॉपर्टी दलाली ब्याज से अधिक धन भी कमा सकते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव शिव जी आपके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान है। आगे दो राशियों की बात करते हैं, वो दो राशि हैं कन्या और कुंभ राशि। जी हाँ, नौकरी धंधे में प्रगति होगी, किसी नए कार्य को करने के लिए आप प्रेरित होंगे, तो वहीं आपको आजीविका के लिए नए नए साधन मिलेंगे। जी हाँ, सामाजिक कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, आपके संबंध कई बड़े लोगों के साथ बनते भी नजर आएंगे, बता दें जिसका फायदा आपको आने वाले फ्यूचर में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। पैसों से संबंधित अगर बात करें तो कोई विवाद हो सकता है, तो पैसों के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी योजना आपके सामने आए उस पर विचार अवश्य करें, किसी बड़े की सलाह जरूर लें, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, किस्मत के भरोसे किसी काम को ना छोड़े, अपनी मेहनत से किसी भी कार्य को पूरा करने का जुनून जरूर रखें। आगे और अंत में बात करते हैं मेष राशि की। जी हाँ, ऑफिस के क्षेत्र में आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, यानी कि आपके प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा दिखते नजर आ रहे हैं, आपका भाग्य आपको अच्छा साथ देता भी नजर आएगा। जो है नौकरी धंधे में भी आपके यहाँ पर सफल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, अगर आप अपनी नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, कोई नया ऑफिस कोई नया काम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय काफी ज्यादा शुभ बना हुआ है। बता दें किसी नए कार्य को करने के लिए प्रेरित आप सभी होंगे, सामाजिक कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, साथ ही घर में आपके खुशनुमा माहौल रहेगा, बड़े भाई बहन के साथ आपका प्यार भरा रिश्ता और भी गहरा होगा, जिसका फायदा आपके पूरे परिवार वालों को देखने से मिलेगा। पैसों से संबंधित आपको भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, पैसों का लेन देन बेहद ही ज्यादा सोच समझकर और किसी बड़े किराए लेकर होने अन्यथा नुकसान होने के संकेत यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आगे आपको बता दें किसी शौक पर, यानी कि आप इन दिनों अपने शौक पर खुलकर पैसे खर्च करते नजर आएंगे, यानी कि आप पिछले काफी समय से अपनी काफी इच्छाओं को मार रहे थे, लेकिन अब उन सब इच्छाओं को खुलकर जीते नजर आएंगे, खुलकर पैसा खर्च करते नजर आएंगे। जी हाँ, तो वेल ये थी वो पांच राशियां जिन पर अब देवों के देव महादेव मेहरबान है और इनकी किस्मत अब खुलने वाली है। नेक्स्ट टू नाइन स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।